हुई है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी जो है इसके लिए लोग लगाए गए हैं, फार फ्लंग एरियाज में किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं और किस तरह इसको सक्सेस बनाने के लिए कोशिश की जी। आपने जैसे पूछा कि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग थी जो हमारी 27 फरवरी को जो पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होने वाला है, ये उसकी एक प्रिपेटरी मीटिंग थी। इसमें हमने कितनी टास्क फोर्स है, कितनी हमारे सेंटर्स हैं, कितने हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, उसके अंदर हमारे डिटेल में हमने बात की है। उसके बाद जो हमारे जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनको हम कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमने एक माइक्रो प्लान बनाया है। तो उन सब चीज़ों को लेके हमने आज डिस्कशन की है। मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे लगभग जो 1,10,000 का टारगेट है जिसके हमें 27 को पूरा करना है, उसे हम पूरा कर पाएँ उस पर आप हमारा मैसेज घर घर तक ले जाएँ। 0 to 5 ईयर्स के बच्चे इसमें कवर्ड हैं। जो डिटेल्स हैं कि कितने चेन पॉइंट्स हैं, कितने इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं, ये आपको CMO और डिप्टी CMO मैडम बताएंगी। थैंक यू। थी किस बारे में थी आज की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग थी, ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के बारे में थी। आपको पता है कि हर साल ये राउंड जो है यहाँ पे पल्स पोलियो का हर साल पूरी कंट्री में चलता है, तो इस बार भी 27 फरवरी को जो है हमारा ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो है ये मुहिम चलेगी। तो दूसरा ये है कि हम लोगों ने इसमें 1,09,700 कुछ के करीब जो है वो बच्चे कवर करने हैं, 5 साल से जो नीचे के बच्चे हैं। तो उसके अलावा जो हमारे जो फर्स्ट डे तो हमारी बूथ एक्टिविटी होगी, क्योंकि 640 के करीब हमारे जो बूथ हैं यहाँ पे पल्स पोलियो के, उसमें पहले दिन एक्टिविटी होगी, उसमें मैक्सिमम बच्चों को कवर किया जाएगा। और अगर कोई रह जाता है तो आपको पता है कि सेकंड डे और थर्ड डे जो है उसके बाद के 2 दिन है वो हाउस टू हाउस एक्टिविटी होगी, जिसमें जो बच्चा रह जाएगा तो उसको कवर किया जाएगा इसमें।